स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज एन, तो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन हो जाएगी आपकी, डबल है उसका, सो दैट विल बी 2m. अब हमें टेन ऑफ द एंगल गिवन है 1/3, सो निकालना क्या है आपको, फाइंड द स्लोप्स ऑफ बोथ द लाइंस. तो स्लोप ऑफ बोथ द लाइंस के लिए टेन थीटा गिवन है, एम वन गिवन है, एम टू गिवन है, तो यू विल यूज एंगल बिटवीन द टू लाइन्स. सो टेन थीटा इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू. सो दिस इज टेन थीटा आपका है 1/3 एम अपॉन वन प्लस टू एम स्क्वेयर. ये मॉड का साइन हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/3. अब एक बार इसको प्लस के साथ ले लो, एक बार माइनस के साथ ले लो. सो वी विल बी हैविंग 1/3 इज इक्वल टू एम अपॉन टू एम, वन प्लस टू एम स्क्वेयर. ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक बन रही है, क्या फैक्टर्स आएंगे, माइनस 2m एंड माइनस m. सो 2m कॉमन आ जाएगा, दिस इज m माइनस 1, माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, m माइनस 1 इक्वल टू 0. m माइनस 1 अगेन कॉमन ले लेंगे, दिस इज 2m माइनस 1 इक्वल टू 0. तो इधर m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू 1/2. दो स्लोप साथ की यहां से आ गई. अब सेम वे में tan थीटा को माइनस 1/3 लेके सेकेंड अब सॉल्व कर लो. ठीक है, व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू, इधर लिख दो इस साइड, व्हेन tan थीटा is minus 1/3, then minus 1/3 is equal to m upon 1 plus 2m square. 1 plus 2m square with negative sign is equal to 3m. इन दोनों को आप इधर लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. अगेन प्लस 2m प्लस m. So 2m common, m plus 1, plus 1 common, m plus 1 equal to 0. So यहां से आ जाएगा m plus 1 आपका common into 2m plus 1 is equal to 0. So either m is equal to minus 1 or m is equal to minus 1/2. तो आपके पास इसकी स्लोप आ गई माइनस वन और माइनस वन बाय टू. उधर स्लोप थी हमारे पास 1 और 1/2. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइंस. तो हमारे पास लाइंस की स्लोप आ गई, क्लियर. हाँ जी, वन और कैलकुलेशंस चेक कर लो, कहीं मिस्टेक होगी फिर आपकी. एक सेकेंड, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात. लेट मी काउंट. अगर ये 1/2 है,
तो इसका ट्वाइस करोगे ये वन आ जाएगा, ये माइनस वन राइट, पर ट्वाइस करोगे माइनस वन। हाँ जी, हाँ 2m की भी 4 आएंगे अकॉर्डिंगली। यस, ये m आ गया आपका 1, m अगर 1 है तो 2m आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे m अगर हाफ है तो 2m आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आगे कर लोगे। सो 2m, दिस इंप्लाइज 2m इज इक्वल टू 2 और 2m इज इक्वल टू 1। सेम वे में उधर m माइनस 1 है तो 2m इज इक्वल टू माइनस 2 और 2m इज इक्वल टू माइनस 1। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में वी आर हैविंग अ लाइन पासिस थ्रू x1 y1 एंड h कॉमा k। लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स गिवन है हमें, एंड वी आर गिवन इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज m, शो दैट k माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स h माइनस x1। लाइन के ऊपर टू पॉइंट्स गिवन है तो स्लोप कैसे निकालोगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इक्वेट करो तो यू विल गेट योर आंसर। स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट करो देन उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट योर आंसर। m इज इक्वल टू आ जाएगा आपका k माइनस y अपॉन h माइनस x1। h माइनस x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो m इंटू h माइनस x इज इक्वल टू k माइनस y। सो दिस यू वर टू प्रूव। x1 y1 है यहाँ पे पॉइंट्स आपके। क्लियर? 13th क्वेश्चन। If the three points H0, A, B and 0K lie on a line, show that A upon H plus B upon K is equal to 1. क्या करेंगे? Three points lie on a line means collinear है, points collinear है तो slopes क्या होंगी? Equal होंगी। तीनों points को क्या name दोगे? A, B, C name दे दो तो slope of A, B equal to slope of B, C। ठीक है, equate करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। पॉइंट ए आपको गिवन है एच जीरो, बी इज ए बी एंड सी इज एच कॉमा की। सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर सो ए बी इज इक्वल टू बी सी। हाँ जी, हाँ जी, लास्ट वाला यस, इट्स जीरो कॉमा के। सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगी? बी अपॉन ए माइनस एच। स्लोप ऑफ बी सी यार k माइनस बी अपॉन माइनस ए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस ए बी इज इक्वल टू ए माइनस एच इंटू के माइनस बी। राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करो, ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस एच बी। माइनस ए बी आपका कैंसिल आउट हो गया। हमें जो प्रूव करना है इन दैट वी आर हैविंग ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो एच के वाली टर्म हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। राइट हैंड साइड पे मुझे वन चाहिए तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एच के so you will get your answer a upon h plus b upon k is equal to 1। clear? ho gaya samriddhi? so this is a upon h plus b upon k
is equal to 1. Megha done beta? Now moving on to the 14th question. Chalo ye aap bataoge mujhe. Consider the following population and year graph. Find the slope of the line AB. AB ke points aapko given hai. Slope kaise nikaloge? Y2 minus Y1 upon X2 minus X1. यहाँ से स्लोप आ जाएगी. उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010. 2010 में पॉपुलेशन आपको बतानी है क्या होगी. सो लेट द पॉपुलेशन इन 2010 विल बी वाई लेने. तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका सी. 2010 में पॉपुलेशन निकालनी है तो इसको हमने वाई मान लिया कि मान लो 2010 में पॉपुलेशन वाई है. अब आपको ये पॉइंट सी भी लाइन के ऊपर लाई करेगा, यानी कि यस स्लोप्स आपकी ए बी की जो स्लोप है दैट विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बी सी. ए बी की स्लोप आपने निकाल ली, बी सी की निकाल के इक्वेट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई. हो जाएगा ये. चलें आगे. इसके बाद है हमारे पास वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमने डिफरेंट फॉर्म्स में निकालनी है, यानी कि अगर हमें जो है वो गिवन है इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी. अगर हमें लाइन का एक पॉइंट गिवन है, लाइन की स्लोप गिवन है, तो जो है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी. लाइन के ऊपर दोनों पॉइंट्स गिवन है, तब हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे. डिफरेंट फॉर्म्स में हमने इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो निकालनी है, डिपेंडिंग ऑन कि हमें क्या क्या गिवन है, अकॉर्डिंगली वी विल यूज द फॉर्मूला. 10th स्टैंडर्ड में आपने किया हुआ है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू जीरो. हाँ, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस हो गई y इक्वल टू जीरो. इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस यस y इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट. इक्वेशन ऑफ x एक्सिस है तो दैट इज y इक्वल टू जीरो, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर आपका पॉइंट हमेशा y कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है. इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अब जिस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहले एक्स की बात कर रहे हैं, तो दैट विल बी ऑफ द फॉर्म वाई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट क्या होगा, जिस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी. सेम वे में इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या आती है आपकी, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस so that is again x is equal to some constant. ठीक है, अब जो next हमारे पास इसमें type आती है that is कि हमें point on a line given है and we are to find the equation of the point given है, slope given है line की, we are to find the equation of the line. इनके जो proofs हैं वो आपके वैसे syllabus में नहीं है, we are just to use the results directly. सो दिस इज कॉल्ड द पॉइंट स्लोप फॉर्म, कि हमें पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है. पॉइंट हमें गिवन है एक्स वन वाई वन और स्लोप ऑफ द लाइन हमें गिवन है एम. वी आर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज गिवन बाय वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन. हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन जब भी निकालनी है, हमें लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन होगा, हमें लाइन की स्लोप गिवन होगी, तो वी आर टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन. अब ये आया कैसे है, ये आज डिस्कस कर लेंगे फैकल्टी में. हाँ जी, फैकल्टी में. अब ये आया कैसे आपका, ये मुझे लाइन गिवन है, इसके ऊपर एक पॉइंट कोई गिवन है एक्स वन वाई वन,
स्लोप एम होती है लाइन की, हमें पता है। हम क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर कोई और पॉइंट ले लेंगे एक्स कॉमा वाई, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। नाउ वी नो स्लोप ऑफ द लाइन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये किया है हमने प्रीवियस में। इसको इधर ले जाओगे तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। गॉट इट, कैसे बनाइए, बट ये हमने करना नहीं है, वी आर जस्ट टू डू द रिजल्ट। अब इसी के बेसिस पे अगर मान लो मुझे, ये तो थी आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म, व्हेन यू विल बी गिवन अ पॉइंट एज वेल एज स्लोप ऑफ द लाइन, यू आर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। अब मुझे जो है वो गिवन है टू पॉइंट फॉर्म, सेकेंड बनता है टू पॉइंट फॉर्म। नेम से ही पता लग रहा है कि क्या क्या हमें गिवन होगा। टू पॉइंट फॉर्म क्या क्लिक कर रहे हैं माइंड में, क्या गिवन होगा, एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन। तो एक मान लो मुझे गिवन है एक्स वन वाई वन, दूसरा मुझे गिवन है एक्स टू वाई। निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन हमने जो ये की पॉइंट स्लोप फॉर्म में, दैट वाज वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। एम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन होते हैं तो उस टाइम पे स्लोप क्या होती है, कैसे निकालते हो स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जब आपको टू पॉइंट फॉर्म जो है यूज करनी है, यानी कि टू पॉइंट्स ऑन अ लाइन आर गिवन टू यू, देन यू विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। वही पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमने स्लोप की क्या की वैल्यू बुक कर दी, y माइनस y1 इक्वल टू m, हमें पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकालते हैं, आगे x माइनस x1 एज इट इज। यहां ये ध्यान रखना है ये x है ये x2 है, ये कैंसिल आउट नहीं है, ठीक है। जो भी वैल्यूज होंगी बस वैल्यूज पुट कर देंगे आगे, ये इधर चला जाएगा। हाँ जी, इसमें क्या होगा, लाइन के ऊपर आपको दो पॉइंट्स गिवन होंगे, मान लो गिवन है जीरो जीरो और टू थ्री, आपको उसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो आप क्या करोगे, मुझे ये पॉइंट्स गिवन, इसमें से एक को एक्स वन वाई वन ले लो, दूसरे को एक्स टू वाई टू ले लो। यहाँ क्या आ जाएगा, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू थ्री माइनस जीरो अपॉन टू माइनस जीरो, y2 minus y1 upon x2 minus x1, then x minus x1 की जगह क्या आ जाएगा जीरो। ये बन गया y is equal to 3 by 2x, यानी कि 2y equal to 3x, तो equation of line आ गई 3x minus 2y equal to 3, ठीक है। तो मतलब लाइन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि क्या क्या हमें गिवन है, अकॉर्डिंगली हमने वो फॉर्मूला यूज किया। अब यहाँ पे हमें स्लोप उन्होंने डिफरेंस जो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाले डिफरेंस से नहीं दिया, उन्होंने हमें सीधा पॉइंट्स दे दिए, तो दिस वी हैव टू कैलकुलेट। प्रीवियस वाले में क्या था, उन्होंने हमें स्लोप दी हुई थी और एक पॉइंट गिवन था, तो हमने डायरेक्ट ले लिया, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो दोनों। नेक्स्ट है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मीन्स हमें स्लोप के साथ साथ एक इंटरसेप्ट गिवन होगा, इट कैन बी इधर एक्स इंटरसेप्ट और इट कैन बी द वाई इंटरसेप्ट। ये कर दूं इरेज, हो गया नोट डाउन कर लो। डन हो गया मेरा। इंटरसेप्ट क्या होते हैं, जब हम बात करते हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की, क्या होते हैं वो, ये आपका एक्स इंटरसेप्ट है, ठीक है, ये आपका वाई इंटरसेप्ट। So what will you say about the intercepts? If I'm talking about the x-intercept, it means
ये वाला डिस्टेंस आप लेके चल रहे हो, y कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो। y इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं तो इट मींस जो आपका x इंटरसेप्ट है दैट विल बी जीरो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमें गिवन है वो क्या क्या गिवन है, हमें स्लोप गिवन है, इंटरसेप्ट गिवन है, तो दिस विल बी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब जब आपको स्लोप गिवन है, जो इंटरसेप्ट साथ में गिवन होगा दैट विल बी इधर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, स्लोप के साथ दोनों इंटरसेप्ट इकट्ठे नहीं गिवन। ठीक है, तो जब हमें गिवन है y इंटरसेप्ट तो इट मींस वो कौन सी फॉर्म में है, जीरो कॉमा x y की फॉर्म में है, तो उस टाइम पे जो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन बनती है दैट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर जो आपका c है दैट इज द y इंटरसेप्ट। अब ये देखो आया कैसे, y इंटरसेप्ट हमें गिवन है, यानी कि पॉइंट विल बी ऑफ द फॉर्म जीरो कॉमा सी, सी मुझे गिवन है y इंटरसेप्ट, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लेके चलते हैं यहाँ पे हम उसको c लेके चलते हैं और इसमें हम यहाँ पे d लेके चलते हैं। अब यहाँ पे जीरो कॉमा सी गिवन है, स्लोप क्या गिवन है मुझे m, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, y माइनस y1, ठीक है, इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, क्लियर। अब ये क्या आ गया, y माइनस c इज इक्वल टू एम एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c, ये प्रूफ नहीं करना सिर्फ रिजल्ट ला। यहाँ क्या क्या गिवन है, मुझे स्लोप गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है। सेम वे में जब मुझे स्लोप इंटरसेप्ट में फॉर्म में y इंटरसेप्ट की बजाय x इंटरसेप्ट गिवन होगा, x इंटरसेप्ट एंड स्लोप आर गिवन टू यू। अब x इंटरसेप्ट है तो पॉइंट विल बी ऑफ द फॉर्म d कॉमा जीरो, तो d कॉमा जीरो पॉइंट हो गया, m आपकी स्लोप हो गई, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, y माइनस y1, ठीक है, इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई, y इक्वल टू m टाइम्स x माइनस d। जब आपको x इंटरसेप्ट गिवन है तो फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये आएगी m टाइम्स x माइनस b, यहाँ पे m जो है वो सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले x के साथ मल्टीप्लाई करके फिर से ही आप बीच में आए, और यहाँ पे x में से पहले d सब्ट्रैक्ट करोगे फिर m से मल्टीप्लाई होगा, ये डिफरेंस याद रखना है, मोस्टली बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर आपको y इंटरसेप्ट गिवन है देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर आपको x इंटरसेप्ट गिवन है स्लोप के साथ तो y इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस d, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। बच्चे कीप योर वॉल्यूम लो प्लीज। कैसे आया ये बताया तो है, आएगा नहीं वैसे वो नहीं आता, ओनली रिजल्ट यू आर टू लर्न। क्या बच्चे इसमें क्या गिवन है, y इंटरसेप्ट आपको गिवन है, y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस पे वो कट कर रहे हैं, y एक्सिस पे योर x कोऑर्डिनेट इज जीरो, तो यहाँ पे वैल्यू जो भी गिवन होगी दैट यू आर टू टेक, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई, y माइनस y वन की वैल्यू क्या है, जो पॉइंट आपको गिवन था दैट इज c, तो y माइनस y वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x वन, y माइनस c इक्वल टू m x, x माइनस जीरो इज x, तो m x रह गया, माइनस सी इधर लाए तो ये है, तो रिजल्ट आपको याद रखना है वाई इक्वल टू, हाँ इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि योर वाई इंटरसेप्ट इज दिस एंड स्लोप इज दिस, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म बन गया, तो यू कैन यूज डायरेक्टली, मतलब जितने भी ये आपकी इक्वेशन डिराइव हो रही है लाइन की वो फर्स्ट वाली इक्वेशन से डिराइव हो रही है। ठीक है, अब सेकेंड जो है आपका दैट इज द, ये हो गया, इसमें क्या क्या गिवन था, स्लोप के साथ एनी ऑफ द वन ऑफ द इंटरसेप्ट एक्स और वाई, नेक्स्ट जो है उसमें क्या है, बोथ द इंटरसेप्ट्स विल बी गिवन, स्लोप नहीं गिवन होगी, इंटरसेप्ट्स आपको दोनों गिवन होंगे, सो दैट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। जब दोनों इंटरसेप्ट्स गिवन है तो स्लोप नहीं गिवन होगी, और जब स्लोप्स गिवन है मतलब स्लोप के साथ गिवन है तो इंटरसेप्ट अकेला एक गिवन।
अब मुझे जो x इंटरसेप्ट गिवन है दैट इज ए, y इंटरसेप्ट जो गिवन है दैट इज b. तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन इज x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट, दिस इज इक्वल टू 1. x इंटरसेप्ट कितना है a, y इंटरसेप्ट क्या है b. तो दिस इज योर required equation of line. Whenever the intercepts are given to you, x intercept जो भी given है, y intercept जो भी given है, तो x upon x intercept plus y upon y intercept and this is equal to 1. Clear? ये सारे आपको learn करने पड़ेंगे. ये वाला जो है ये भी आपका same उसी से बना है, y माइनस y1 वाली जो आपकी है. अब यहाँ पे इसमें अगर मैं वैसे देखूं तो मुझे टू पॉइंट्स ऑन अ लाइन गिवन है. टू पॉइंट्स ऑफ अ लाइन में क्या करते थे, y माइनस y1, ठीक है, इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. m कैसे निकालते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि 0 माइनस b अपॉन a माइनस 0 इंटू x माइनस दिस. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो भी बनेगा, जैसे हमने वो वाला क्वेश्चन किया था h अपॉन k वाला जो अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है, सेम वे में आपका ये सॉल्व हो जाए. y कोई भी पॉइंट आपका गिवन है लाइन पे, x जो है वो कोई भी पॉइंट. इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ना, तो वही x और y वेरिएबल्स हैं आपके, कि उनकी डिफरेंट वैल्यूज आप पुट करोगे तो आपके पास लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट आ. इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो हमेशा ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में आएगी, तो एक्स और वाई के जब आप वैल्यूज डिफरेंट पुट करते हो तो यू गेट कि वो उसका सॉल्यूशन सेट है या नहीं. ठीक है, चलें आगे. ये हो गया नोट डाउन. नेक्स्ट जो है दैट इज द नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म में देखो, पहले ये पेज नंबर 217 देखो. हमें जो है एक नॉन वर्टिकल लाइन गिवन है. नॉन वर्टिकल मीन्स इस तरीके से नहीं होगी, ऐसे या ऐसे किसी भी तरीके से होगी. ओके, दिस टॉपिक वी विल डू ऑन मंडे. आपने इसकी जो थ्योरी है सारी वो पढ़नी है. जो आपको लगेगा कि ये एज अ वन मार्क क्वेश्चन आ सकता है, अंडरलाइन दैट, एंड जो आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज है उसके होमवर्क पार्ट्स आपने करने. बच्चे, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स.